राजस्थान के जयपुर में अखिल भारतीय वर्षीय नाथ योगी समाज के तत्वाधान में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें की 21 जोड़ों परिणी सूत्र में बंधे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार एडिशनल एडवोकेट गुरचरण गिल, राष्ट्रीय सिख संगत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार मलकीत सिंह पदम, अखिल भारत वर्ष युवा योगी नाथ समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष सर सिंह योगी भी, वरिष्ठ समाज सेवी योगी तेजपाल उपाध्याय फरीदाबाद, योगी ओम कुमार पुंडी, डॉक्टर नरेश उपाध्याय, डॉक्टर राम योगी रामेहर मालिक, राहुल योगी बड़नगर पावटा, वरिष्ठ कार्यकर्ता रमजान क्षेत्र मालकुमावत, डॉक्टर शिव सिंह करोली, बाबा बालकनाथ टॉक केदारनाथ इंदौर, सुनील योगी सरिस्का जय, भगवान योगी दरियापुर, रामहर योगी हिसार, प्रहलाद योगी कालक जयपुर, सुरेश योगी सवाई माधोपुर, डॉक्टर तरुण थाना जंग जयपुर, एवाईएमई जयर न्यूज प्रधक दुष्यंत सैन, टैलेंट ऑफ इंडिया मैगजीन प्रबंधक रोहता सिंह योगी, ओम प्रकाश तनवर, श्री राधेश्याम योगी बिलापुर, आमिर श्री कैलाश योगी जुगलपुरा, आमिर श्री अरोड़ा नाथ बिलापुर, आमिर श्री दिलीप योगी पावटकोट पुतली, श्री रोहताश सिंह योगी प्रबंधक टैलेंट ऑफ इंडिया, श्री दुष्यंत सिंह एवाई मीडिया यूज दिल्ली, श्री रणजीत सिंह योगी झुंझुनू, श्री निर्मल जी योगी चौक, श्री कैलाश भाटी, आमिर श्री प्रहलाद जी योगी कालक फुलेरा जयपुर, श्री सुरेश योगी सवाई माधोपुर, श्री राहुल योगी कोटपुतली, श्री कैलाश योगी करण जमुआ रामगढ़, श्री नाथूराम लाल योगी भांडू कला जमुआ रामगढ़, श्री रामजीलाल योगी जनता जमुआ रामगढ़, श्रीमती सरिता योगी आमिर, श्री मुकेश कुमार योगी गोरे जयपुर, श्री विनोद कुमार योगी जबलपुर ब्रिजभूमि, बिल्कुल प्रहलाद जी, सुरेश शर्मा काजला कुकस योगी सेना राजस्थान जयपुर ग्रामीण नवयुक्त मंडल समग्र विकास परिषद जमवा रामगढ़ गोरख सेना राजस्थान युवा नाथ समाज संगठन ग्राम भारती समिति आमिर प्रेम प्रकाश माहौर वैश्य चैरिटेबल ट्रस्ट कुकस गुरुवार गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन दिल्ली शिव गोरख सेवा समिति द्वारा कार्यकर्ता भोजन जमाने में सहयोग संस्था ने सभी विवाहित जोड़ों को दान के रूप में सभी आवश्यकता अनुसार घरेलू सामान भेज दिया गया। वे कयाओं के लिए जेवर आभूषण भेंट किए गए। सभी भारतीयों के लिए वह सभी आए हुए अतिथियों के लिए जलपान की भरपूर व्यवस्था की गई। साथ ही संस्था के सभी पदाधिकारियों ने आए हुए सभी अतिथियों की भरतपुर सेवा की। समारोह में आए हुए मुख्य अतिथियों ने संस्था के किए कार्य को प्रसन्नता पूर्वक सराहा और सभी ने आश्वासन दिया कि जब भी संस्था के संचालिका सरिता योगी जी आने का आह्वान करेंगे तो समूचे देश से हर समाज के व्यक्ति सरिता योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होकर खड़े होंगे। वही सभी आए हुए अतिथियों का फूल मालाएं वो पगड़ी बैठकर सरिता योगी के द्वारा सम्मानित किया गया। मैडम, क्या कार्यक्रम रखा गया था उसके बारे में बताएंगे आप? नाथ संस्कृति सेवा संस्था एवं राजस्थान नाथ समाज के तत्वाधान में 21 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन रखा गया था। इस सम्मेलन में जोड़ों से कोई चार्ज नहीं लिया गया और इस 21 जोड़े एकदम अत्यंत हैंड टू माउथ वाली स्थिति में थे, तो हमने इनकी निःशुल्क शादी की है। हमारी पूरी युवा टीम, पूरा राजस्थान नाथ समाज मिलके हमने इस सम्मेलन को सफल बनाया है और हम इस सम्मेलन से समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो समाज में असहाय गरीब परिवार की बेटियां हैं तो उनका हाथ थामो और आगे बढ़ो। कितने जोड़ों की शादी कराई गई थी आज ही? 21 जोड़ों की। और कितने इसमें जो सभी जोड़े सम्मिलित हुए हैं? हाँ, 21 जोड़े सम्मिलित। तो उनको दान में क्या क्या दिया गया है? दान में दिया गया उसके मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करवा देती हूँ। टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, एलईडी, बर्तन, बिस्तर, सिंगार, पूरा सामान, एक साड़ी और जेवर में चांदी की पायल, सोने की लौंग, चांदी की अंगूठी, बिछिया, घड़ी आदि सामान बच्चे बच्चियों को दिया गया है। किस संस्था के द्वारा कार्य किया गया? नाथ संस्कृति सेवा संस्थान द्वारा। ये पहला कार्यक्रम था या इससे पहले भी कार्यक्रम किए गए? संस्था के द्वारा ये पहला कार्यक्रम था। एक मिनट मैडम, परिचय दीजिए आप अपना। नीला योगी, कांग्रेस प्रत्याशी 2013। कहाँ से आए आप? ये क्या कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे, किसके द्वारा किया गया था? ये नाथ सेवा संस्कृति संस्थान के द्वारा निशुल्क 21 जोड़ों का विवाह का आयोजन था, उसमें एज ए चीफ गेस्ट के रूप में है। तो जैसा संस्था ने कार्यक्रम किया है, क्या ऐसे कार्यक्रम और भी होते हैं या करने चाहिए, किस तरह की क्या मतलब आप कहेंगे? जिस तरह कार्यक्रम होते हैं पर वो सशुल्क होते हैं, ये पहला प्रोग्राम है जो निःशुल्क हुआ है। किसी बच्चे बच्ची से कोई किसी तरह की एक रुपया भी फीस नहीं लेगी और बहुत ही सुंदर तरीके से
प्रोग्राम संपन्न हुआ, पूरा दहेज दिया है बच्चों को और जेवर भी दिया गया है, यथा योग्य सभी का स्वागत भी किया गया है। तो आप इसके लिए किसको बधाई का पत्र मानेंगे? इसमें वैसे तो संपूर्ण समाज का हिस्सा है, संपूर्ण समाज को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बहुत सुंदर मिसाल कायम की है। साथ ही बहन सरिता को और उसकी जो युवा टीम है उसको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर समाज के लिए एक अनुपम उदाहरण पेश किया है कि गरीब बच्चों का बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से ब्याह संपन्न करवाया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद के पास। सामूहिक विवाह का मकसद क्या होता है? सामूहिक विवाह का मकसद होता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चियों का अच्छे ढंग से सह सम्मान शादी हो जाए ताकि उन पर कोई आर्थिक खर्चा आर्थिक भार ना पड़े और समाज में एक प्रचलन हो, सभी को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि सभी बराबर होते हैं इनका, इसीलिए ये बहुत अच्छी परंपरा है और पैसे के आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी परंपरा है सामूहिक विवाह सम्मेलन। जी, दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए भी एक बहुत बड़ा काम है ये, दहेज ना दिया जाए बच्चियों को और सम्मान से विदा किया जाए, इसलिए भी सामूहिक विवाह बहुत जरूरी है। उनके माँ बाप का दायित्व इसकी टीम ने और सरिता ने निभाया, इसके लिए कोटि-कोटि इसको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ और उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे और हमारे समाज का नाम इस संसार में रोशन करे। इसी शुभ कामना के साथ नव दंपतियों को आशीर्वाद देती हूँ, पूरे समाज का आपको आशीर्वाद मिले, आपका जीवन सुखमय हो और आने वाले भविष्य में आप निष्कंठ मार्ग से होकर अपना गृहस्थ जीवन बिताएं। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के प्रखर प्रवक्ता सुरज्ञानी जी, श्री रामकिशोर जी और बहुत से हमारे समाज के दिग्गज जा चुके हैं, उनको भी सम्मान प्रेषित करती हूँ। अहमदाबाद से पधारे दो महान इस देश इस राष्ट्र की भूमि में जन्म लेकर गुजरात में अपना नाम रोशन करने वाले इन दोनों को भी मैं नमन करती हूँ, समस्त समाज को नमन करती हूँ कि आपने अमूल्य समय देकर एक नया जज्बा कायम किया है जो समाज की कुरूतियों को दूर करके आपने कम खर्चे में और सबके सहयोग से उन अनाथ बच्चों का विवाह संस्कार संपन्न कराया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। भरा